My name is Sumit. And my name is Anjali. And you are watching our channel, Canada Wale Sharma. हेलो एवरीवन, आज हम आपको कनाडा ने जो इमिग्रेशन प्रोग्राम रिफ्यूजीज के लिए जो कि हेल्थ केयर में वर्क करते हैं अनाउंस किया है उसके बारे में बताएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कनाडा हैज लॉन्च द इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर रिफ्यूजीज वर्किंग इन हेल्थ केयर. दिस प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑन दिसंबर 14 और कनाडा ने इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और उनको परमानेंट रेजिडेंसी देने का बोल दिया है उन रिफ्यूजी क्लेमेंट्स को जो कि डायरेक्ट हेल्थ केयर कैनेडियंस को प्रोवाइड कर रहे थे. सो दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल ओनली टू द असाइलम सीकर्स जिन्होंने वो हैव वर्कड इन द हेल्थ केयर ड्यूरिंग द कोरोना वायरस आउटब्रेक. इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेंडिनिसेनो हैज अनाउंस्ड देयर आर टू टेम्पररी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स फॉर दिस समर द कमिंग समर्स. एक प्रोग्राम है हमारे रिफ्यूजीज इन क्यूबेक के लिए और दूसरा प्रोग्राम जो कि है हमारे बाकी रिफ्यूजीज के लिए अदर कैनेडियन प्रोविंसेस में. और इन और क्यूबेक के लिए स्पेसिफिकली रिफ्यूजीज का जो ये प्रोग्राम निकाला गया है वो बहुत ज़्यादा नेगोसिएशंस कैनेडियन गवर्नमेंट की क्यूबेक प्रोविंस के साथ निकाला गया है और इस पर भी कोई कैप्स ऑफ एप्लीकेशन नहीं है. अब इसके बारे में हम आपको थोड़ी और डिटेल्स देते हैं कि ये कब लॉन्च हो रहा है और क्या क्या हो रहा है. सो एप्लीकेशंस आर ओपनिंग फ्रॉम दिसंबर 14 टू अगस्त 31. दीज टू न्यू टेम्पररी प्रोग्राम्स, एक है क्यूबेक का है, एक कैनेडियन अदर कैनेडियन प्रोविंसेस का है. और इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि यू हैव टू गेट योर क्रिमिनलिटी चेक, सिक्योरिटी चेक एंड हेल्थ चेक. और ये प्रोग्राम सबसे अच्छी बात यह है जो कि असाइलम सीकर्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली हेल्थ केयर में काम किया है उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक्सटेंडेड हैं और वो भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. द थर्ड थिंग इज दिस प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू ऑर्डरलीज, नर्सेस और सर्विस एड्स. सो इन तीन कैटेगरीज में जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स ने काम किए, ऑर्डरलीज हो गए, नर्सेज हो गए और सर्विस एड्स के लोग हो गए, उन तीनों को और उनकी फैमिलीज को ये परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन दिया गया है. इवन ये उन लोगों को भी मिलेगा जिनके स्पाउसेस और कॉमन इन लॉ पार्टनर्स जो कि रिफ्यूजी क्लेमेंट्स के हैं उनकी डेथ हो गई फैमिली मेंबर्स की ड्यूरिंग द कोरोना वायरस आउटब्रेक और दे हैव अराइव्ड इन कनाडा बिफोर अगस्त 14, 2020. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्लीज गाइज मेक यूज ऑफ दिस प्रोग्राम इफ यू आर अंडर एन असाइलम सीकर स्टेटस एंड यू हैव वर्कड फॉर कनाडा इन टोटल ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक. और अब हम आपको आगे चल के थोड़ी डिटेल्स देंगे एप्लीकेंट्स इन क्यूबेक के बारे में जिसका प्रोग्राम बाकी कैनेडियन प्रोविंसेस से स्लाइटली डिफरेंट है. द फर्स्ट थिंग इज कि क्यूबेक एप्लीकेंट्स को पहले एज अ फर्स्ट स्टेप अपनी एप्लीकेशंस IRCC को ही सबमिट करनी होगी क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी IRCC. आफ्टर दैट द क्यूबेक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी वैलिडेशन करेगा और चेक करेगा कि एप्लीकेंट्स रिक्वायरमेंट मीट करते हैं भी या नहीं. उसके बाद क्यूबेक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी अगर वैलिडेशन है, सक्सेसफुल है उस एप्लीकेंट की, दे विल प्रोवाइड यू अ क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट और फेडरल गवर्नमेंट उसके बाद चेक करेगी कि ऑल द परमानेंट रेजिडेंट ग्रांट की एलिजिबिलिटी है या नहीं है और उसके बाद आपको ग्रांट कर देगी परमानेंट रेजिडेंसी. क्यूबेक के पास बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले और इमिग्रेशन पावर्स हैं इसलिए दे हैव कम अप विद देयर ओन सिलेक्शन क्राइटेरिया विच वी आर गोइंग टू जस्ट टेल यू अबाउट इट. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द पीपल शुड अप्लाई फॉर द असाइलम बिफोर मार्च 13 ऑफ 2020 एंड दे शुड हैव ऑब्टेन्ड अ वर्क परमिट. Second point है, they should have worked a minimum of 750 hours in one of the eligible occupations जो हमने आपको आगे बताई थी prior to September 1, 2021 next year तक. और third जो है, they should have worked at least
120 ऑफ दोज आर 750 आवर्स में से 120 आवर्स उनके मिनिमम मार्च 13, 2020 से लेके अगस्त 14, 2020 के बीच में होने चाहिए, जब हमारा कोरोना वायरस का आउटब्रेक नया शुरू हुआ था और उस टाइम हमारे बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत थी। साथ ही में ये भी बोला गया है ओवरऑल सारे प्रोग्राम्स के लिए कि इवन अगर आपकी इंटर्नशिप भी थी जिसमें आपने वर्क किया एज अ हेल्थ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, उसमें चाहे आपको पे मिली थी या नहीं मिली थी, यू आर आल्सो एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट दोज आवर्स एंड अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। तो इसी के साथ हमने आपको सारी डिटेल्स बताई कि कैसे बाकी प्रोविंसेस में और क्यूबेक प्रोविंसेस में ओवरऑल असाइलम सीकर्स का परमानेंट रेजिडेंसी का ओवरऑल क्या सिनेरियो है। अब हम आपको लेके चलते हैं गवर्नमेंट के पेज पे, जो कि अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है पेज पे और उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो अब हम इस पेज पे आ गए हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट का पेज है। इसमें आप जब canada.ca टाइप करेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के पेज पे जाइए, उसके बाद रिफ्यूजीज एंड असाइलम के कॉलम में जाइए, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा जिस पे लिखा होगा हेल्थ केयर वर्कर्स परमानेंट रेजिडेंस पाथवे अबाउट द पब्लिक पॉलिसीज। और ये आप लिंक भी कॉपी कर सकते हैं इस वीडियो से, ताकि ये डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको देंगे ताकि आप इस पेज पे जा सकें। उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसीज निकाली गई है कि रिफ्यूजी क्लेमेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो हमने सारी चीज़ें आपको अभी अपनी वीडियो में बताई उसके बारे में, उसके बाद पूरा प्रोसेस कैसे होगा कि आपने कब अप्लाई किया क्यूबेक के लिए और बाकी प्रोविंसेस के लिए, कैसे वो आपका वर्क एक्सपीरियंस रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको डिसीजन देंगे, और साथ में इफ़ वी कन्फर्म कि आप एलिजिबल हो एंड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशंस, क्रिमिनल और सिक्योरिटी चेक्स होंगे, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट कर सकते हो, और उसके बाद डिसीजन आएगा। उसके बाद साथ ही में अगर आपका वर्क परमिट ख़त्म होने वाला है, स्टडी परमिट ख़त्म होने वाला है, जो भी है, उसके लिए आप साथ में इस प्रोसेस के ड्यूरेशन के अराउंड आप कैसे भी अपने एक्सपायरिंग वर्क परमिट और स्टडी परमिट के बारे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है वू कैन अप्लाई, आप जैसे ही क्लिक करोगे वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब आप बुलेट पॉइंट्स ठीक से पढ़ लीजिएगा। और आप कनाडा में बिफोर अगस्त 14, 2020 आने होने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको अपना रिफ्यूजी स्टेटस का क्लेम एटलीस्ट मार्च 13, 2020 से पहले लेना है, अपार्ट फ्रॉम अदर हेल्थ केयर वर्कर्स रिक्वायरमेंट्स। सो ये दो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में उसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन है कि आप अपनी एप्लीकेशन में किस किस को इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह के फैमिली मेम्बर्स को, वो कहाँ रह रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड चेक होगा, उनका क्या मेडिकल चेक होगा, उसके बारे में ये सारी चीज़ें दी होंगी, और आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स यहाँ है। और अगर आप प्रोविंस क्यूबेक के बाहर है उसके केस में क्या क्या होगा, साथ ही में कौन सी जॉब्स को बोला मतलब इस हेल्थ केयर वर्कर में गिना जाएगा एज अ वैलिड एंड रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ये सब NOCs यहाँ जो 6 NOCs दी हुई हैं उसको आप ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद इस लिंक पे जाके अपनी NOCs को टाइप करके उसका आप डेटा इन डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अमाउंट ऑफ टाइम इन अ क्वालिफाइंग जॉब, इस स्पेसिफिक असाइलम सीकर के लिए कुछ अमाउंट टाइम है जो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में होना चाहिए इन आवर्स, वो आप पर्टिकुलरली यहाँ से चेक करिए, उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन क्यूबेक, इसकी डिटेल्स हमने आपको ऑलरेडी बताई हैं, उसका प्रोसीजर बताया, वहीं ये बातें सारी यहाँ पर कही गई हैं। और अगर आपके पास टोटल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसका भी कुछ वे आउट है, वो यहाँ लिखा गया है, और कौन अप्लाई नहीं कर सकते और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद नेक्स्ट में बताया गया है हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इट,
पूरी इंस्ट्रक्शन गाइड्स, चेकलिस्ट, फॉर्म, पूरी यहाँ पर PDF डॉक्यूमेंट है। तो रादर देन टेकिंग एनी एजेंट हेल्प, आप ये खुद सारे फॉर्म्स भर के, जिनका फॉर्मेट यहाँ है, आप खुद अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं और पूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से अपना पूरा बना के दे सकते हैं। होप ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी कि आप कैसे असाइलम सीकर्स क्राइटेरिया के अंदर, अगर आप स्पेसिफिक हेल्थ केयर वर्कर हैं, कैसे आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी फटाफट पा सकते हैं बाकी प्रोविंसेस ऑफ कनाडा में और क्यूबेक के लिए। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस कंप्लीट वीडियो एंड होप इट हैज हेल्प्ड यू। Hope you guys have liked our video, and also please do watch our previous videos, link is there, and also please like our videos, share our videos and subscribe our channel. And the people who are watching our videos and they are not subscribing, please do subscribe as well. Yes, please also follow us on Instagram and Facebook page with by the name Canada Wale Sharma. Till then, stay tuned and thank you.